कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, ये बोल रहा है आपको 3 बार। ठीक है, चलिए बैठ के बोलिए। कच्चा पपीता पका पपीता। आज हम एक ऐसी गतिविधि कराएंगे जिसमें आपको कुछ शब्द बोल के हम बताएंगे और उसे आप लगातार 3 बार बोलोगे। क्या करोगे? 3 बार बोलना है, जल्दी जल्दी। तो ये देखेंगे कौन बच्चा 3 बार ठीक बोल लेता है, क्योंकि कई शब्द क्या होता है ना, हम अलग अलग तो बोल लेते हैं लेकिन उसे कहा जाए कि एक साथ बोल के बताओ तो उसमें फिर उल्टा सीधा हम कर देते हैं, इधर का उधर हो जाता है ना। तो वही हम देखेंगे और शब्द हम बता रहे हैं आपको क्या बोलना है, और एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई पहले से नहीं, नंबर आएगा तभी बोलेगा। ठीक है, चलिए तो अंशिका से शुरू करते हैं। अंशिका, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, ये बोल रहा है आपको 3 बार। ठीक है, चलिए बैठ के बोलिए। कच्चा पपीता पका पपीता। चलिए, नहीं बोला। हाँ जी, कच्चा पपीता पका, खड़े होके बोलो। चलो खड़े होके। हाँ, चलो ठीक, लेकिन थोड़ा और तेज बोलना है। बैठ जाओ सलोनी, चलिए खड़े हो जाओ एक ही करके। हाँ, बैठ जाओ। पचा नहीं है, पका है। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, बैठ जाओ। पकीता थोड़ा ही है, पपीता है। बैठ जाओ, नहीं बोला, 3 बार बोला जल्दी जल्दी। चलिए, नहीं बोल रहा। हाँ जी, पहला ही गलत हो गया। बोलो 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 बोलो। कच्चा पपीता पका पपीता, पपीता नहीं है। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे, क्लैप करिए इसके लिए जी। रुपेंद्र बैठो, 3 बार बोल रहा, रुकना नहीं है। बैठ जाओ, तेज बोलो, जरा तेज बोलो। पता पपीता, अच्छा ठीक। पपीता थोड़ी है। हाँ, चलिए 3 बार तेजी से। अरे बोलो बोलो बोलो, मोहित बोलो बोलो। चलिए आयुष, तेज तेज बोलो। चलिए, तो ये कितने शब्द थे? पक्का और पपीता, 3 ही तो शब्द हुए। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, ये बोलना था। तो आप में से केवल 1 या 2 बच्चों ने ठीक बोला, बाकी सब कोई चका पका पकीता पतीपा है, पक्का चक्का चक्का भी बोला कई बच्चों ने।